नमस्कार। द प्रोब में आज हमारे साथ हैं आशीष चतुर्वेदी जी, जो व्यापम स्कैम के विसल ब्लोअर हैं और एक्टिविस्ट भी हैं। नमस्कार आशीष जी। नमस्कार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक और एक घटना सामने आई है, जिसमें पुलिस विभाग जो है वही एक उसी के कुछ पदाधिकारी एक सेक्सटॉर्शन रैकेट तरीके का ऑपरेट कर रहे थे, जिस विषय में आपने अभी एक याचिका दायर की है। क्या बताना चाहेंगे सर? हम पूरा डिटेल में आप बताइए कि क्या केस है। यह मामला सिर्फ ग्वालियर का ही नहीं, आप देख रहे हैं सेक्सटॉर्शन के मामले पूरे देश भर में सामने आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश पुलिस की बात करें तो मध्य प्रदेश पुलिस के कई सारे अधिकारी, कई सारे पुलिसकर्मी मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में सेक्सटॉर्शन ब्लैकमेलिंग के रैकेट चला रहे हैं, जो कि पुलिस के नाम पर एक बड़ा काला धब्बा है। तो ऐसे ही कई सारे मामले मेरे संज्ञान में आए। पिछले वर्ष 2022 फरवरी में एक मामला संज्ञान में आया था, जिसमें ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत 376 रेप बलात्कार का एक मामला दर्ज किया गया था, जिस बलात्कार के मामले में कई सारे लोगों से पुलिस अधिकारियों द्वारा ब्लैकमेलिंग की जा रही थी। लेकिन ताज्जुब की बात तब है जब उस ब्लैकमेलिंग के दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा पुलिस के ही पुलिसकर्मियों के साथ ब्लैकमेलिंग की जाना शुरू कर दी गई। जब इन लोगों द्वारा मुझसे मदद मांगी गई, तब यह मामला मेरे संज्ञान में आया। तो इसमें आप थोड़ा सा और डिटेल से बता सकते हैं कि किस तरीके से ये रैकेट ऑपरेट करता था, कौन कौन लोग थे इसको चलाने में और कौन लोग इन्वॉल्व थे? बेसिकली कुछ होटल वालों के साथ मिलकर इस तरीके से लड़कियां सप्लाई करने, लड़कियां भेजने का, फिर लोगों के वीडियो बनाने का, उनको लोगों को ब्लैकमेल करने का, उनसे एक्सट्रॉशन मनी, पैसे ब्लैकमेलिंग के नाम पर ऐंठने का ये धंधा सुरुचि सवेरे और ऐसे कई सारे पुलिसकर्मी करते रहे हैं। लेकिन उस मामले में ताज्जुब की बात तब है जब उनके ही पुलिसकर्मियों और लोगों के साथ ब्लैकमेलिंग होती रही और ब्लैकमेलिंग के प्रयास किए गए, और जब उन लोगों द्वारा पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया गया तो उनके द्वारा उस ब्लैकमेलिंग को रोका नहीं गया। जब भी लोग मेरे पास आए तो उस मामले में मेरे द्वारा जो भी उनसे उस समय मदद की गई उनकी। और उसके बाद एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश के इतिहास में संभवतः यह पहला मामला है कि किसी पुलिसकर्मी ने एफिडेविट पर, स्टाम्प पर शपथ पत्र देकर इस मामले को एक्नॉलेज किया। मैं आपको वो एफिडेविट दिखाना चाहूंगा जहां उन पुलिसकर्मी द्वारा स्टाम्प पर शपथ पत्र देकर ये कहा गया कि मेरे द्वारा इन लोगों की, मतलब आशीष चतुर्वेदी और अन्यों की, झूठी शिकायतें इन पर दबाव बनाने के लिए। इससे ये आप स्टाम्प, अगर आपको दिख रहा होगा, ये नॉन जुडिशियल स्टाम्प है 100 रुपए का, जिस पर सुरुचि सवेरे ने एक एफिडेविट पेश किया। वो कंप्लेन के साथ भी मैंने अटैच किया है इस स्टाम्प पर, क्योंकि स्टाम्प पर एफिडेविट के साथ कही गई बात कोर्ट में कहे गए स्टेटमेंट के बराबर होती है। तो उन्होंने उस पर ऑन रिकॉर्ड मानने के बाद, एक साल से ज्यादा समय बीतने के बावजूद भी पुलिस विभाग के किसी अधिकारी ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। ताज्जुब की बात है। जी सर, तो इसमें आप अगर बता पाए कि पुलिस विभाग में से एक, जैसे सुरुचि जी का नाम आपने लिया, उसके अलावा और कुछ लोग अगर आप उनके नाम के साथ बता पाए। बिल्कुल निश्चित रूप से मैं बताना चाहूंगा, चाहे वो ग्वालियर के एक सब इंस्पेक्टर सुमन पालिया हो, इसके अलावा ऐसे अन्य जिलों में भी कई सारे पुलिसकर्मी हैं जो 376 की फर्जी एफआईआर दर्ज करते हैं, फिर उसके बाद पीड़िता से एक एफिडेविट लेते हैं। अगर इस मामले की डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगी तो मध्य प्रदेश में ऐसे सैकड़ों मामले हैं जहाँ 376 के मामले दर्ज कराए गए, फिर उसके बाद एफिडेविट पर अगले दिन कॉम्प्रोमाइज किया गया, जबकि इस तरीके की एक्टिविटी ऑटोमेटिकली सस्पिशियस दिखती है। कई बार इन सब मामलों में कोर्ट ने भी टिप्पणियां की। अभी हाल ही का एक मामला लें, जिसमें 376 के एक मामले में आरोपियों को एफआईआर दर्ज होने से 10 घंटे पहले ही पकड़ लिया गया और एफआईआर होने के कुछ समय बाद फिर उनका कॉम्प्रोमाइज करा दिया गया। बाद में एक अन्य मामला, हम मुरैना की बात करें, बामोर की, तो वहां का एक मामला जिसमें 376 की पीड़िता एक तीन लोगों पर एफआईआर दर्ज कराती है और अगले दिन एफिडेविट देती है कि इन दो लोगों ने मेरे साथ 376 का बलात्कार नहीं किया, मेरे साथ ऐसा दुष्कृत्य नहीं किया। ऐसे एक नहीं, कई सारे मामले हैं पुलिस के संज्ञान में है। पुलिस ऐसे मामलों में ना तो ऐसी झूठी शिकायत करने वाली शिकायतकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करती है, क्योंकि पुलिस के लिए पैसे कमाने का एक जरिया बन गया है फर्जी 376 के मामले दर्ज कर कर लोगों से। चूंकि लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने मान सम्मान के लिए इनको पैसे देते हैं, मान सम्मान को बचाने के लिए। इसी प्रकार के इस ग्वालियर का जो मामले जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा की गई है,
इसमें रेप पीड़िता की पहचान भी उजागर की गई। सबसे संगीन बात यह है कि रेप पीड़िता की पहचान सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाए, हम लाइव स्ट्रीमिंग देखें, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखें, अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग में रेप पीड़िता सेल्फ अपीयर्ड भी होती है तब भी उसका फेस हाइड किया जाता है, नाम एक्स 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 या अभियोत्री के नाम से बताया जाता है, उसका ओरिजिनल नाम नहीं डिस्क्लोज किया जाता। जबकि यहाँ सुरुचि सुबेरे द्वारा रेप पीड़िता का रिकॉर्डेड वीडियो अपने मोबाइल व्हाट्सएप से मुझे भेजा गया, जिससे उसकी पहचान उजागर हुई। साथ ही जब मेरे द्वारा इस पूरे मामले की शिकायत की गई, तो इस पूरे मामले में उन्होंने साक्ष्यों के नष्ट किया, आपराधिक षड्यंत्र कहते हैं, इस पूरे मामले के साक्ष्य मिटाए, मोबाइल को खो जाना और नष्ट किया जाना बताया गया, जबकि एक फर्जी है इसकी सूचना दर्ज कराई गई। इस पूरे मामले में कई विभिन्न अपराध किए गए, ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन, सबूतों को मिटाया जाना और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग और रेप पीड़िता की पहचान उजागर किया रहा। लेकिन अब चूंकि पुलिस विभाग के अधिकारी इस पूरे जांच के दायरे में, उन्होंने ही अपराध किया है, इसलिए 1.5 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद आज तक इस संगीन अपराध में एफआईआर दर्ज नहीं की गई। मुझे इस संबंध में ग्वालियर के एडिशनल एसपी आईपीएस अधिकारी ऋषिकेश मीणा जी द्वारा स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया था, जिनको मैंने एक लेटर अपनी तरफ से दिया है कि आपके द्वारा स्टेटमेंट के लिए जो लेटर मुझे इशू किया गया है वो किस सेक्शन के थ्रू किया गया है और किस सेक्शन के अंडर वो लेटर इशू किया गया, साथ ही मेरी कंप्लेन को किस सेक्शन में आपके द्वारा रजिस्टर्ड किया गया है, और चूंकि आप रेप पीड़िता की वीडियो और एविडेंस जो उससे मांग रहे हैं वो किस सेक्शन के तहत, क्योंकि रेप पीड़िता की पहचान में आपको किस तरीके से, किस फॉर्मेट में आपको चाहिए, तो उसका रिप्लाई जैसे ही मेरे पास आता है निश्चित रूप से उसके जुड़े हुए साक्ष्य और दस्तावेज उनको उपलब्ध कराए जाएंगे। ये जो जिस तरीके का आपने केस बताया, इसमें कई राजनेता, पुलिस विभाग और जितने हमारे तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सबकी कॉम्पिटेंसी पे एक सवाल उठता है। तो आपके पास कुछ प्रूफ्स हैं इन सब बातों को लेके? निश्चित रूप से इस पूरे मामले में मेरे पास तथ्य और एविडेंस सभी मेरे पास उपलब्ध है, इसीलिए मैं लगातार इस मामले को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ और इस पूरे मामले को अंतिम लड़ाई तक लड़ता रहूँ। एक और व्यापक तौर पर मैं एक और बात पूछना चाहूंगा कि जब एमपी पुलिस खुद इस तरीके की आपराधिक षड्यंत्रों में लिप्त है, उसी समय पे मध्य प्रदेश में महिलाओं की स्थिति और महिलाओं की सुरक्षा बहुत अच्छे स्तर पे नहीं है। लगातार सतना, दातिया, सीधी, सिंगरौली, राजगढ़, इन सभी जिलों से काफी हृदय विदारक घटनाएं सामने आई है। तो और जैसे फिर आपने एक बताया कि इसी प्रकरण में रेप पीड़िता की जो पहचान है उसको गोपनीय न रख पाने का भी एक केस है, तो मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग में क्या व्यापक बदलाव किस स्तर पे होने चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के जीवन में कुछ बदलाव की तरफ बढ़ा जा सके? देखिए, जब तक राजनीतिक रूप से पुलिस को जिस तरीके से नियंत्रण किया जा रहा है, पुलिस विभाग में जिस तरीके से पोस्ट ट्रांसफर पोस्टिंग आप देख रहे हैं, सारा एक राजनीतिक इशारे पर जब तक पुलिस विभाग काम करता रहेगा, निश्चित रूप से आप मान के चलिए जनता के हितों के लिए काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि पुलिस विभाग के कई सारे अधिकारी, जैसा कि ऑफ रिकॉर्ड मुझे बताते हैं और मेरी मेरे भी व्यक्तिगत रूप से जो मुझे समझ आता है, पुलिस विभाग वर्तमान में भाजपा सरकार में इतना राजनीतिक रूप में दबाव में कार्य कर रहा है कि क्या सही और क्या गलत वे खुद निर्णय लेने अनिर्णय की स्थिति में निर्णय नहीं ले पा रहे। इस कारण से वर्तमान में मध्य प्रदेश की पुलिस राजनेताओं के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई है। जब तक पुलिस विभाग को राजनीति से मुक्त नहीं रखा जाएगा, तब तक निश्चित रूप से जनता के हितों के लिए कार्य नहीं कर पाएंगे।